नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह परियार। सुरेश न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है, कल रानी कमलापति से नई दिल्ली के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। ग्वालियर में इसे पहले एक स्टॉपेज नहीं दिया गया था, लेकिन सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी के प्रयासों से इसे ग्वालियर में स्टॉपेज मिल गया है, जिसके कारण शहरवासियों में काफी उत्साह है। आइए जानते हैं शहरवासियों से कि इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा है। कल से वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने वाली है, ग्वालियर को इसका स्टॉपेज मिल गया है, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले वंदे मातरम एक्सप्रेस, भारत एक्सप्रेस हमारे रेलवे की और भारत बस की प्रथम गाड़ी है। उसके चालू होने से हमको जो है बड़ी खुशी की लहर है कि जो है ग्वालियर में इसका स्टॉपेज होने जा रहा है। और पहले इसका स्टॉपेज नहीं था, लेकिन ग्वालियर के प्रतिनिधि या जो समाज सेवक जो लोग हैं और हमारे ग्वालियर के जनता के द्वारा चुने हुए एमपी महोदय मिस्टर सी सेजवलकर साहब के द्वारा इस गाड़ी का प्रयास किया गया, जो कि इस गाड़ी का ठहराव ग्वालियर में रेलवे बोर्ड और रेलवे ऑफिसरों के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जो है एमपी महोदय की बात को जो है आगे रखते हुए ग्वालियर में स्टॉपेज उसका दिया गया। आपका नाम क्या है? मैं अमित जैन हूँ और यहाँ पे SRUCC मेंबर हूँ, रेलवे यात्री जो कमेटी होती है सुविधा का, उसका झांसी का ग्वालियर स्टेशन का मैं मेंबर भी हूँ। जी, ग्वालियर में वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है, तो इसका स्टॉपेज ग्वालियर को मिला है और कल से शुरू होगी, तो इससे शहरवासियों काफी लाभ होने वाले हैं, तो आप बता सकते हैं आपके नजर में कितने फायदेमंद है ग्वालियर के लिए? देखिए, काफी लंबे समय से चूंकि मैं रेलवे की यात्री समिति का मेंबर हूँ, तो कुछ मांग आ रही थी कि शताब्दी में जनरली टिकट्स नहीं मिल पाते थे और वो इतनी कन्वीनियंट नहीं रह गई थी जितनी होना चाहिए थी, और एक जो गतिमान ट्रेन है वो थोड़ा पहले निकल जाती, तो ये ट्रेन बहुत अच्छी है, यात्रियों को बहुत फायदा मिलेगा, आरामदायक है, बहुत सारी नई सुविधाएं, जैसे उसमें 360 डिग्री 80 डिग्री सीट कन्वर्ट हो जाती है, आप ग्लास की तरफ देख लेते, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यात्रियों के लिए उसमें। दूसरी, इस ट्रेन में एक नया है कंटेंट ऑफ डिमांड। क्या होता है, आप ट्रेन में बैठ करके आपको ऑनलाइन वाईफाई मिलेगा, अगर आपके पास अपना इंटरनेट नहीं है, और अपना इंटरनेट होता है तो नेटवर्क जाने से वो खत्म हो जाता है, उसमें आपको कंटिन्यूसली नेटवर्क मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, सारा वाईफाई फैसिलिटी मिलेगी, और उस ड्यूरेशन में आप जितनी भी आपकी यात्रा रहेगी, आप कोई भी अपना एजुकेशनल, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन जो करते हैं आजकल, आप एंटरटेनमेंट कुछ अपना OTT पे जाना चाहें, कुछ सीरियल देखना चाहें, कुछ अच्छा देखना चाहें, जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं वो अपने मैच वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, खाना बहुत अच्छा है इस क्वालिटी का, मतलब एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसका जो इंटीरियर है वो मैंने देखा, एक दो बंदे भारत में मैं गया हूँ, जस्ट लाइक फ्लाइट के जैसा बनाया हुआ इसको, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा यात्रियों को, सुविधा मिलेगी, ग्वालियर के लिए एक सौगात है ये। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? शायद खान नाम है मेरा। नमस्कार, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर। ग्वालियर के रहने वाले हैं जी। जैसा कि भैया आपको बताना चाहूंगा, अभी भोपाल से लेके दिल्ली तक जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, बताएंगे कुछ? इस ट्रेन से जनता को बेनिफिट होगा, समय की बचत होगी, जैसे पहले 5-6 घंटे लगते थे दिल्ली जाने के लिए, तो अब अपन समय से पहुंच जाएंगे, 3.5 घंटे लगेंगे अब दिल्ली जाएंगे, ग्वालियर से दिल्ली जाएंगे। जो सांसद हैं सेजवलकर जी, उनके प्रयासों से ये ट्रेन स्टार्ट की जा रही है, हरी झंडी दी जा रही है 1 तारीख को इसको। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तौसिफ खान है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्वालियर के रहने वाले हैं। जो भोपाल से ग्वालियर होकर दिल्ली के लिए जो ट्रेन चलाई गई है वंदे भारत, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये काम बहुत ही अच्छा किया गया है, ये पहले हम इसे एग्जाम वगैरह देने जाते थे, और काफी व्यापारी जैसे हमारे पापा वगैरह, हम जो दिल्ली सामान लेने जाते थे तो दिल्ली काफी टाइम लग जाता था, इधर से 5-6 घंटे का सफर होता था, अब वो हम काफी टाइम ड्यूरेशन कम हो गई है, 3 से 3.5 घंटे में हम वो काम कर लेंगे और रिटर्न भी आ सकते हैं वन डे, ये जो इससे काफी समय की बचत हो गई है हमारी, और ये सौगात जो हमारी हमारे सांसद है ग्वालियर के विवेक नारायण सेजवलकर जी, उनके अथक प्रयासों के बाद से हमको मिली है।